कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। आप यहाँ पे कब पहुँचे हो ये कोरोना वैक्सीन के लिए? 7:15 पहुँचे हैं आप। आपको किसी ने बुलाया था कि ऐसे ही आए हो आप? मैं खुद आया हूँ यहाँ पे, कल आया था, कल बोला आप सवेरे आके यहाँ से टोकन लेके जाना, लेकिन 7:15 आया तो तब तक पूरा टोकन 100 बोल रहे हैं कि अभी खत्म हो चुका है। आप कितने दिनों से आ रहे हो? मैं कल से आ रहा हूँ। मैं 7:15 से आया हूँ, तब से बोलता है 100 टोकन बैठ गए, अभी आप कल आना। मैं पिछले फ्राइडे को भी आया था, गुड फ्राइडे था, छुट्टी था, मेरे को फ्राइडे को छुट्टी रहता है। लेकिन अभी तो 45 से ज़्यादा उम्र को दी जा रही है। तो मैं अपने लिए नहीं, मम्मी पापा के लिए ले रहा हूँ, उनका उनका उनको वो आ नहीं पा रहे, सीनियर सिटीजन है। ये जो मनपा की तरफ से कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, आज मैं सुबह को देखे कि इतनी भर्ती है, लेकिन उनका थोड़ा स्लो काम चल रहा है, तो आप क्या कहेंगे प्रशासन को? मैं आप देखते हो कि सुबह 6 बजे से लोग यहाँ पे जो 28 नंबर स्कूल है यहाँ पे लाइन लगाते, आज भी अभी यहाँ पे जहाँ पे अपन बाइट लेने से पहला कुछ लोग पूछे यार हम लोग 8 बजे आए ले, लेकिन हमारा बहुत दूर तक नंबर है या फिर बहुत दूर हमारा लाइन लगा पड़ा है। और मेन यहाँ पे क्या हो रहा है कि 100 नंबर तक ही लोग लिए जाते हैं, अभी इतनी सारी लाइन लगी पड़ी है और इसमें सिर्फ 100 लोग लिए जाएंगे, तो अभी बेचारे बाकी लोगों का होगा क्या? तो प्रोसीजर है ना, प्रोसीजर ये पूरा स्लो चालू है और 200 दिए जा रहे लेकिन ले रहे 100 को, तो ये जो बाकी के 100 लोग हैं वो कहाँ से आ रहे हैं ये अपने को मालूम नहीं है। और 100 लोग में ज़्यादा करके आप देखोगे तो इन लोगों का कहना है कि जो आगे के 100 लोग हैं उसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स है सेकेंड डोज वाले, लेकिन फ्रंटलाइन वर्कर्स भी कितने वो भी एक लिमिटेड है। और बाकी के डोज मेरा तो आरोप है महापालिका प्रशासन के ऊपर कि कहाँ से, तो भी नगर सेवक इन लोग को दोपहर के 2 के बाद लोग भेजते और वहाँ पे इन लोगों का लसीकरण किया जाता है। और भी तो अभी आप प्रशासन से क्या चाहेंगे? हम प्रशासन से ये विनती करते हैं कि एक तो 4 नंबर में कोई भी केंद्र नहीं है, 1-3 नंबर में 2 केंद्र है, 1 में केंद्र नहीं है, उल्लासनगर 1 में, उल्लासनगर 2 में भी केंद्र नहीं है, उल्लासनगर 2, 1, 2 और 3 ये सब पूरा क्राउड जा रहा है 3 नंबर में, और वो है सेंट्रल हॉस्पिटल और ITI में, और 4 और 5 का क्राउड आ रहा है 28 नंबर स्कूल दशहरा मैदान में। अभी 4 और 5 की अगर लोक संख्या देखें तो 3.5 से 4 लाख लोक संख्या है, अभी 3.5 से 4 लाख की लोक संख्या में जब लोग यहाँ पे लसीकरण को आते हैं तो 100 जन को लिया जाता है, तो ये डोसेस होएगा कब पूरा इन लोग का? पूरा कोरोना खत्म होने के बाद डोसेस देने वाले की सरकार ने लसी केंद्र बढ़ाने चाहिए, और सिर्फ लसी केंद्र बढ़ा के नहीं उसके साथ में मैन पावर भी बढ़ाना चाहिए। और मैन पावर बढ़ा के मैं और एक आपसे आपके चैनल के माध्यम से विनंती करता हूँ गवर्नमेंट को प्रशासन को कि ऑफलाइन बंद ही कर दो, ऑनलाइन ही रखो। आज थाना में आप जाओगे तो ऑनलाइन पद्धति से काम होता है, उनको टाइम दिया जाता है ऑनलाइन स्लॉट के हिसाब से, वो टाइम पे उनका बरोबर लसी केंद्र होता है, 1/2 आवर में वो लसी केंद्र हो जाता है। आज लोग सुबह से 6 बजे से यहाँ पे खड़े रहते हैं और उनको भी मालूम नहीं कि उनका नंबर आएगा क्या नहीं, तो ऑनलाइन अगर कर दिया। आप ऑनलाइन कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम ही बंद है, तो स्लो होता है, तो वो सुधारना गवर्नमेंट ने करनी चाहिए। आज मोदी सरकार बोलते कि सब ऑनलाइन होना चाहिए, जब से मोदी सरकार आए ऑनलाइन के पीछे लगी है, तो फिर लसी केंद्र जब थाना में ऑनलाइन हो सकता है, मुंबई में ऑनलाइन हो सकता है, तो उल्लासनगर क्या गाँव खेड़ा है क्या, महापालिका है क्या, नगर परिषद है, नगर परिषद से मिलता पंजाब ग्राम पंचायत से भी बेकार हालत है उल्लासनगर की, तो ऑनलाइन करके उनको टाइम मिल के लोग यहाँ पे लाइन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सुबह 6 बजे से लाइन लगा पड़ा है और उनको क्या है कि 100 टोकन देते निकल जाते। अच्छा जो गवर्नमेंट के लोग है, अधिकारी है, बाकी के लोग है, वो लोग तो चुपके से लगा रहे ना यहाँ से, लेकिन बाकी पब्लिक का क्या है? तो मेरा गिनती है कि कोरोना बढ़ रहा है और बढ़ने की वजह से गर्दी बढ़ रही है, और गर्दी को अगर कंट्रोल में करना है, जैसा अभी लॉकडाउन भी लगा है, लॉकडाउन में संचार बंदी और आज 100 से 200 लोग खड़े इधर, तो कौन सी संचार बंदी है? तो संचार बंदी के लिए या अपना रूल पालन करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑनलाइन सिस्टम पे जोर डालना ही चाहिए, स्लो क्यों है क्या है वो सब उसने देखना चाहिए ना, और उसके बाद ये ऑनलाइन सिस्टम है। मेरा तो मनसे की तरफ से गुजारिश है कि ऑनलाइन सिस्टम से ही काम किया जाए और जितने 100 तो 100 लेकिन ऑनलाइन से लिया जाए, ऐसा मैं आपके चैनल से विनती करता हूँ। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें।